कक्षा 6 के छात्रों का संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे तृतीय पाठ है मीन्स तीसरा पाठ। तीसरा पाठ का नाम है शब्द परिचय 3, यानी शब्द परिचय 3। इससे पहले हम शब्द परिचय 1 और शब्द परिचय 2 पढ़ चुके हैं। आज हम शब्द परिचय 3 पढ़ेंगे। शब्द परिचय 1 में पुल्लिंग शब्दों का परिचय पढ़ा था हमने। शब्द परिचय 2 में स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय पढ़ा था। और आज हम शब्द परिचय 3 में नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग पढ़ेंगे। अब हम पाठ को पढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे और समझेंगे इसे। पहला सेंटेंस है, सब लोग एक साथ बोलेंगे एतत् किम्, यानी यह है क्या है। दूसरा सेंटेंस है एतत् खनित्रम् अस्ति, यह खनित्रम् मतलब फावड़ा है। ये जो है इस मजदूरनी के हाथ में ये फावड़ा है, इसके बारे में बात की गई है, यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यानी मजदूरनी, खनित्रम यानी फावड़ा, चालयति चलाती है, मजदूरनी फावड़ा चलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। सामने जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तत् किम्, तत् मतलब वह, किम मीन्स क्या है, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् यानी वह, विश्राम गृहम यानी विश्राम गृह, अस्ति मतलब है, यानी वो ठहरने की जगह है, जो यात्रियों के या आने जाने वाले जो राही लोग होते हैं, जो रास्ते में चलते चलते थक जाते हैं, उनके लिए विश्राम गृह बनाए जाते हैं, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवारें हैं, क्या यहाँ दीवार है। भित्तिकम मतलब दीवार, दीवार है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवार नहीं है। आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ इस घर में कोई दीवार नहीं है। एते के, ये दोनों क्या है। एते अंगुलिय की स्त, ये अंगुलिय के है, थोड़ा शुद्धि है इसमें। एते अंगुलिय की स्त, यानी ये दोनों अंगूठी है। यहाँ पर दो अंगूठी दिखाई दे रही है आपको, इन दोनों अंगूठियों के बारे में बातचीत की जा रही है यहाँ पे, ये दोनों अंगूठियाँ है। आगे दे रखा है सुवर्णकार अंगुलिय की रचयति, यहाँ पर अंगुलिय के है, अंगुलिय के नहीं, इसको अंगुलिय के पड़े। सुवर्णकार यानी सुनार, अंगुलिय के यानी दो अंगूठियाँ, रचयति यानी बना रहा है। सुनार दो अंगूठियाँ बनाता है या बना रहा है, ये सुनार है, ये दो अंगूठियों का निर्माण कर रहा है, दो अंगूठियाँ बना रहा है। आगे पढ़ेंगे हम। ते के, वे क्या है, वे सब क्या है। ते का मतलब यहाँ पर वे दोनों होगा, वे दोनों क्या है। ते बस याने स्त, वे दोनों बस यान है, बस यान यानी बस है, वे दोनों बस है। यहाँ पर दो बसें दिखाई दे रही है आपको। ते बस याने कुत्र गच्छत है, वे दो बस कहाँ जा रही है, वे दो बस कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छत है, वे दोनों बस, ते यानी वे दोनों
रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन, रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन, गच्छत यानी जा रही है। यहाँ पर सामने रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है आपको, तो ये दोनों बस रेलवे स्टेशन जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छत यानी वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। आगे पढ़ेंगे हम, एतानी कानी, एतानी मतलब ये सब कानी यानी क्या है। एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब कर वस्त्राणि यानी रुमाल है, जिसको हम इंग्लिश में हैंकी या हैंड करचिप भी बोलते हैं। ये सब रुमाल है, ये सब रुमाल है। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। पुराणानि यानी पुराने हैं। ने मतलब नहीं, एतानी तो नूतनानि, नहीं ये सब तो, तू यानी तो नूतनानि यानी नए है, ये सब नए है, पुराने नहीं है, ये सब नए हैं। आगे दे रखा है तानी कानी, तानी यानी वे सब, कानी यानी क्या है, वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति, वे सब कदली फलानी यानी केले के फल, संति मतलब है। यहाँ पर बहुत सारे केले के फल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बोला गया तानी यानी वे सब कदली फलानी संति, केले के फल है। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं, क्या वे सब मीठे हैं यानी क्या केले सब मीठे हैं। आम यानी हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी चाहिए, हाँ वे सब मीठे और पोषक है, पोषक यानी जो शरीर को पोषण प्रदान करे। ये हमारा पाठ पूरा हुआ, धन्यवाद।